ये टोटल है 12 एकड़ जमीन ही है, ओके 12 एकड़ टोटल ही है चारों तरफ, ओके। इसमें 5 मंदिर है, नाट्य मंडप, ये देखो ये एक रथ है, भगवान सूर्यनारायण का रथ है, ये मंदिर अभी है, आप जानते हो कोणार्क सूर्यनारायण मंदिर, ओके। और सूर्यनारायण की ये गर्भगृह मंदिर, ये मंदिर आधा भाग टूट गई, बताऊंगी क्यों टूट चुकी है। और सूर्यनारायण की 2 पत्नी छाया माया, ये टोटल 5 टेम्पल, ओके। और साउथ गेट पर देखोगे हॉर्स गेट देखोगे, नॉर्थ पर एलिफेंट गेट देखोगे, दो तरफ ऑयल देखोगे, दो तरफ मंडप देखोगे, आयरन बीम भी देखोगे गर्भगृह की एग्जिट पर, ओके। आगे चलो शुरू करते हैं। सर ये फ्रंट में का पता लीजिए, मोबाइल दीजिए, पहले नमस्कार मेरी तरफ से, मेरा नाम मिहिर दास दीदी, मैं एक ही गाइडर हूँ, सुन लीजिए। ये देखो एक सामने में ये तीनों मूर्ति, ओके। तो ये जगह का नाम पहले जान लीजिए, जगह का नाम कोणार्क, कोणार्क क्यों देखो दीदी, भुवनेश्वर लिंगराज मंदिर, कोणार्क सूर्यनारायण मंदिर, पूरी जगन्नाथ मंदिर, ये तीनों को मिला के त्रिकोण है, ये कोनो है। और भगवान सूर्यनारायण का दूसरा नाम अर्क, कोनो दुक्त अर्क विराट, जगह का नाम कोणार्क, ओके। ये सामने देखो ये सिंह द्वार है, सिंह द्वार पर एक पत्थर में ये तीनों मूर्ति, एक पत्थर में मूर्ति देखो, नीचे आदमी आदमी को दबा के रखा है हाथी, हाथी को दबाए रखा है शेर, ये तीनों धर्म है क्या, या नीचे सनातन धर्म, शकुंतला का बेटा ही है भरत, उनका नाम भरत, वही नाम पे भारत वर्ष। उसके बाद आया बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म का प्रतीक हाथी, अब ये हिंदू धर्म, हिंदू धर्म का प्रतीक शेर, ओके। और ये है राजा जो नरसिंह देव, ये मंदिर सूर्यनारायण मंदिर बनाया, इन्हीं के नाम पर भी बना हुआ है, राजा के नाम नरसिंह देव। गज हाथी को बोलते हैं गजा, राजा को बोलते हैं गजपति, गजपति नरसिंह, हमारे राजा के नाम नरसिंह देव, गजपति नरसिंह देव। और एक भी मिनी, ये शेर है शक्ति ताकत पावर, ये माँ दुर्गा की सवारी है, हाथी माँ लक्ष्मी का सवारी, धन दौलत है, ये दोनों ताकत और दौलत है कि मनुष्य के पास इतनी हो जाए, ज़्यादा हो जाए तो मनुष्य मन में घमंड अहंकार सृष्टि हो जाए, इसीलिए मनुष्य अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए नीचे चिंता करती है, इसीलिए मनुष्य पड़ा है नीचे, ओके। तो ये सामने ये एक पत्थर में ये तीनों मूर्ति, ओके। जस्ट आगे बढ़ो, ऐसा भी हो जाए तो मनुष्य मन में ज़्यादा अहंकार आ जाए, इसीलिए मनुष्य पड़ा है नीचे, ओके। तो ये जानो ये अंदर ये 5 मंदिर, ये मंदिर आज क्यों पूजा नहीं, भगवान सूर्यनारायण की मंदिर है, हिंदू मंदिर है, ये पूजा क्यों नहीं दीदी, देखो ये इसका एक स्टोरी है, ये क्यों पूजा नहीं। ये टोटल 12 एकड़ जमीन में 1200 AD में 1200 कारीगर लेके 12 साल के अंदर राजा की राय की, 1200 कारीगर 12 साल के अंदर ये 5 मंदिर कंप्लीट करोगे, नहीं कर पाओ तो मैं सबका सर काट कर समुद्र में डाल दूंगा, राजा की राय यहाँ पर थी। ये जो 1200 कारीगर थी उनमें से मुखिया लीडर कारीगर थी विश्व महाना विश्वकर्मा, उनका नाम मुखिया कारीगर का नाम विश्व महाना विश्वकर्मा, वो जो 1200 कारीगर यहाँ पर चला आया राजा की राय पर काम करने के लिए, वो टाइम पे मुखिया कारीगर की पत्नी की गोद में का बच्चा थी, वो पैदा हुआ बड़ा हुआ,
उनको 12 साल की बात में 3 महीना बाकी थी, ये मंदिर कम्प्लीट होने के लिए 3 महीना बाकी थी। वो बच्चा माँ के पास जीत रखा, माँ मैं मेरा पिता को कभी देखा नहीं, 12 साल के जन्मदिन मेरा, मेरे पिता से एक बार मिलने दीजिए। पिता ने मुखिया करियर यहाँ पर ये काम मंदिर काम करने के लिए। वो टाइम पर ये जो 1200 कारीगर परेशान मूड में थी, दीदी क्या आप ये जो मंदिर जानते हैं कोणार्क सूर्यनारायण मंदिर, ये सूर्यनारायण की ये मंदिर, ये प्रार्थना मंदिर है, माने भक्तों की जगह ही ये। इसका हाइट 127 फुट, ये पिरामिड की तरह पीढ़ियों पीढ़ियों की तरह बना हुआ है। इसका पीछे थी मेन मंदिर गर्भगृह मंदिर, जो मंदिर के नीचे 27 टन मैग्नेट, ऊपर 52 टन की मैग्नेट, बीच में ये लोहे की पत्थर, ये पत्थर के अंदर 30% आयरन है। ओके, तो ये जो 1200 कारीगर आए थे ये मंदिर को बनाने के लिए, मेन मंदिर ऊपर जब सोने कलश कंप्लीट करने के लिए सोने कलश बैठाया, ये बार बार ये मैग्नेट ऊपर जो मैग्नेट 52 टन की थी बार बार फेंक दिया। क्यों फेंक दिया है? तो ये जो ऊपर 52 टन की मैग्नेट थी ये उलट तरफ थी। आप टेंशन माइंड में रहोगे तो ये जानो परेशान मूड में रहोगे तो आप सहज काम भी कर नहीं पाओगे। ये 1200 कारीगर ऑरलैंडर कारीगर थी, लेकिन वो काम छोटा काम क्या ना, मैग्नेट उलट तरफ रहेगा तो मैग्नेट ऊपर कुछ रखोगे वो फेंक देगा। तो ये जो 1200 कारीगर वही परेशान मूड में थी। ये जो बच्चा आया था पिता को मिलने के लिए, ये साथ में लाए थे क्या ना, घर के पीछे बगीचा की बरकोली और साथ में बुढ़िया काला कुत्ता पापा को पहचानने के लिए। यहाँ पर पहुँच गया, मंत्री लोग पूछा, अरे यहाँ पर इतना बड़ा बड़ा काम कारीगर काम कर रही है, तू इतना छोटा बच्चा? ना मैं मुखिया कारीगर की बेटा हूँ, मैं पिता को कभी देखा नहीं, मेरा 12 साल की जन्मदिन, मैं पिता को मिलने के लिए यहाँ पर आया हूँ, मेरे को एक बार पिता से मिलने दीजिए। यहाँ पर तो मुखिया कारीगर पिता ना, पिता को पुत्र को वहीं पर मिला मिलन कर दिया कौन ना, मंत्री लोग सिबई शांत राय। वो टाइम पर वो जो पुत्र उनका नाम थी धर्मपद, खुद भगवान सूर्यनारायण कैसी थी देखो। ये परेशान मूड में थी ये 1200 कारीगर। वो टाइम पर वो बच्चा बोला, पिता ये काम मैं कर दूंगा। नारे ये ऑलराउंडर कारीगर कर नहीं पाया, मंदिर ऊपर 227 फुट वो मंदिर, वो मंदिर ऊपर मैग्नेट ऊपर सोने कलर जब बैठाया ये बार बार फेंक दिया, तू छोटा बच्चा कैसे करेगा? हाँ मेरे को एक बार चांस दीजिए, मैं ये काम कर दूंगा। दीदी वो 227 फुट मंदिर ऊपर वो 12 साल के लड़का चढ़ के मंदिर ऊपर जो मैग्नेट थी 52 टन की मैग्नेट, मैग्नेट ऊपर एक लोहे की तिलक लोहे की रिंग बना दिया, उसका ऊपर जब सोने कलश बैठाया ये 1200 कारीगर, ये कंप्लीट हो गया। लेकिन राजा की राय थी 1200 कारीगर 12 साल के अंदर करोगे, एक मनुष्य प्लस हो गया। वो टाइम राजा राजा का समय, राजा की राय, राजा को रूल रखने के लिए ये बच्चा क्या करा ना, मेन मंदिर ऊपर सोने कलश बैठा के ऊपर से नीचे कूद गया, आत्महत्या कर लिया, इसीलिए ये मंदिर पूजा नहीं। ओके, तो ये मंदिर का खंडित कौन किया? देखो ये 1200 एडी की घटना है, ये बच्चों की ये 1200 एडी की घटना है। 1500 एडी में पितृलाल आ गया यहाँ पर बिजनेस करने के लिए, यहाँ से बंगोपसागर 700 किलोमीटर वो जो आ गया, उनकी सीप की जो कंपास थी, सीप जहाज की जो कंपास थी, वो कंपास को ये 52 टन की मैग्नेट मिसगाइड करता था। वो आके देखा कि चारों तरफ जंगल और बीच में टोटल खजाना ये रह गया, मंदिर कंप्लीट हो गया था ना, नीचे मैग्नेट ऊपर मैग्नेट और ऊपर सोने कलश और बीच में अष्टधातु मूर्ति, मतलब सब कंप्लीट हो गया था। उसके बाद वो बच्चा गिरा, आत्महत्या कर लिया, इसलिए पूजा नहीं। वो आके देखा कि ये मंदिर पूजा नहीं, आरडीएक्स लगा के बमिंग करके मेन मंदिर उड़ा दिया, गर्भगृह मंदिर 227 फुट मंदिर उड़ा दिया, और ये मंदिर की सब खजाना वो टाइम पर वो ले गया। ओके, ये 1500 एडी की घटना, 1508 की, 1200 एडी की मंदिर, 1508 में ये सब खजाना ले गया। जो लिया वो उसका नाम फिर से बोलो, पुर्तगाल, पुर्तगाल, हाँ जी, पुर्तगाल खंडित किया, पुर्तगाल जा रहा, अंग्रेजों, अंग्रेजों ने, इंग्रेज ना, पुर्तगीज, पुर्तगीज, हाँ, सुनो, अच्छा क्या बच गया जो कि आज के समय इतना लोग यहाँ पर आ रही है देखने के लिए? देखो ये मंदिर टोटल बना हुआ है एक चैरियट की तरह, रथ की तरह, ये रथ में 24 चक्र क्यों ना, एक महीने में 2 पखियों, 12 महीनों में 24 पखियों, इसीलिए ये चारों तरफ 24 चक्र, दिन रात भी 24 घंटे, इसीलिए ये 24 चक्र, और ये रथ में 7 घोड़े, हाँ वर्तमान में टाइम भी दिखो तुम्हें,
अच्छा ये रथ रे सात घोड़े, सात घोड़े क्यों ना, ये सात दिन, ये सात कलर भगवान सूर्य नारायण की। ओके तो ये रथ के सामने, सर ये रथ के सामने दीदी देखो, ये रथ के सामने ये पहला टेम्पल नाट्य मंडप, ये नाट्य मंडप के ऊपर देखो तीनों तीनों गेट है, दक्षिणायन, उत्तरायण, मध्यायन, मध्यायन, और नीचे देखोगे 128 प्रकार की नृत्य कला। ओके सर यहीं पर एक फोटो लियो, अब तो लौट के यहाँ पर नहीं आओगे, यहीं पर एक फोटो लियो और उसके बाद नाट्य मंडप जाओगे। नाट्य मंडप ऊपर वो तीनों गेट ऐसा बना हुआ है चारों तरफ कि नाट्य मंडप ऊपर आप खड़ा होंगे जहाँ भी, ये सामना दरवाजा आपको इक्वल लगेगा, समान लगेगा, ये ऐसा बना हुआ है वो टाइम नाट्य मंडप। ओके पहले की फोटो क्या साइड दे दो, ये चार सीढ़ी बाल्यावस्था, युवावस्था, मध्यावस्था, वृद्धावस्था, यानी ये टोटल मनुष्य जीवन शैली में ये बना हुआ है। ओके हमें बना हुआ है टोटल चारों तरफ देखोगे 12 सीढ़ी और मनुष्य जीवन शैली में बना हुआ है। क्या देखो ये चार चार सीढ़ी चारों तरफ, बाल्यावस्था, युवावस्था, मध्यावस्था, वृद्धावस्था, इसी तरह चारों तरफ तरफ देखोगे 12 सीढ़ी और ये चार सीढ़ी 12 संख्या में, और ये मनुष्य जीवन शैली में ये टोटल बना हुआ है ये कोणार्क मंदिर। ओके आगे बढ़िए देखो, 12 एकड़ जमीन में 1200 AD में 1200 कारीगर लेके 12 साल के अंदर ये मंदिर ऊपर सोने कलश बैठा नहीं पाया, एक 12 साल के लड़का आया जो उनका नाम धर्मपद, वो मंदिर ऊपर सोने कलश बैठा दिया, जो कि 12 संख्या में ये कोणार्क मंदिर बना हुआ है और मनुष्य जीवन शैली में ये बना हुआ है। नाट्य मंडप पहला टेम्पल, ये पहला टेम्पल के चारों तरफ देखोगे तीनों तीनों गेट है ये। ओके तो ये दक्षिणायन, मध्यायन, उत्तरायन, आप जहाँ भी खड़ा होंगे ये सामना दरवाजा जो मंदिर बच गया, ये मंदिर की दरवाजा आपको समान लगेगा, दक्षिणायन पर, मध्यायन पर और उत्तरायन पर। ओके तो ये दक्षिणायन पर देखो इक्वल ऊपर लगा नहीं बेटी। ओके और यहाँ पर आओ, यहाँ पर भी देखो ऊपर लगेगा। ओके तो ये नाट्य मंडप की तीनों गेट क्यों, भगवान सूर्य नारायण 6 दक्षिणायन पर और 6 उत्तरायण पर और साल में 2 मध्यायन पर, मार्च 21 सितंबर 23। ओके 6 अभी सूर्यनारायण कहाँ पर, दक्षिणायन पर, मकर संक्रांति के बाद उत्तरायण हो जाएंगे और साल में 2 मध्यायन पर, मार्च 21 सितंबर 23। ओके सितंबर 23। ओके सर ये 1200 कारीगर की ये किचन रूम और यहाँ तरफ 1200 कारीगर की ओएल और वहाँ तरफ उत्तर दिशा पर एक ओएल पाओगे, वो ओएल यूज नहीं, ये यूज है और 1200 कारीगर ने ये रोसी सलाह यूज किया है। ओके ये मंदिर की 2 अभी पूजा है वो बाउंड्री के बाहर, क्या ना देखो जगन्नाथ मंदिर के सामने जो बड़ा वाला पिलर है और उन पिलर वो पूजा है, ये रथ की ड्राइवर थी, ये रथ की दिग्विजय रथ की ड्राइवर थी वो अभी जगन्नाथ मंदिर के सामने वो पूजा है और ये मंदिर की एग्जिट पर बाउंड्री के बाहर नवग्रह मूर्ति पूजा है जो थी ये द्वार की ऊपर ये जगमोहन की ऊपर थी। ओके वो पूजा है, यही 2 अभी पूजा है वो बाउंड्री के बाहर, बाउंड्री के अंदर तो अपवित्र हो गया इसीलिए यहाँ पर पूजा नहीं। ओके चल ये हमारा जैकेट कुछ है, कोई पर एक सिंगल लीजिए और लेडी फास्ट, ये शब्द कितना सत्य देखो, एक लड़की शेर के साथ लड़ाई की है, यानी 800 साल पुराने ये थी कला थी, ये दोनों शिक्षा कर ली उसके बाद रानी माँ के सामने राजा के सामने प्रकट कर रही है। ओके लेडी फास्ट शब्द ये कितना सत्य है, एक लड़की शेर के साथ लड़ाई की है, वो टाइम में लेडी इसी तरह थी, ये चारों तरफ भी इसी तरह 128 प्रकार की कला, वो टाइम के नाच गाना और वो टाइम की है चारों तरफ कला। ओके और सर ये मंदिर में 3 टाइप की पत्थर खर्ची हुई है, लैटराइट, खंडोलाइट और ग्रानाइट, ये मंदिर में तो ये द्वार देखो, ये द्वार ग्रानाइट और बीच में ये पत्थर जो सब खर्च हुआ है ये खंडोलाइट और ये बेड़ा लैटराइट,
अच्छा, ये तीन टाइप के पत्थर ये मंदिर में करती है। नहीं द्वारका, नहीं द्वारका जाना है। तापर मंदिर, मंदिर खंडोलाइट, ये ही खंडोलाइट के पत्थर के अंदर 30% आयरन है, ये खंडोलाइट। ओके, और ये जो भेड़ा है ये लापरा है। एक लड़की के पैर में जैसे पायल घुंघरू, ये मंदिर देखो नीचे टोटल पहना है हाथी, टोटल चारों तरफ देखोगे हाथी पहना है ये टोटल। ओके, और ये देखो ये मंदिर टोटल बैठा है कि कोमल फूल ऊपर, लोटस फूल ऊपर। क्यों ना, भारत में जैसे चार धाम, ये इसी तरह ये चार क्षेत्र उड़ीसा में, शंख चक्र गदा पद्म, पूरी शंख क्षेत्र, ये पद्म क्षेत्र, पद्म फूल ऊपर बैठा है, कोमल फूल ऊपर बैठा है। लिंगराज मंदिर वो चक्र क्षेत्र, कटक जाजपुर बिरजा वो गदा क्षेत्र, शंख चक्र गदा पद्म चार क्षेत्र, इसी तरह ये जैसे चार धाम भारत में। और ये देखो ये रथ में दीदी सात घोड़े, यहाँ तरफ थी चार और वहाँ तरफ तीन, ये सात घोड़े, ये सात दिन, ये सात कलर भगवान श्री नारायण। ओके, एक दो तीन चार, वहाँ तरफ एक दो तीन चार, पुतुलगढ़ में टूट गया, पुतुलगढ़ में खंडित कर दिया ना, बमिंग कर दिया मंदिर को, तो टूट गया, यहाँ तरफ चार वहाँ तरफ तीन। और ये मंदिर की देखो ये रथ की तरह बना हुआ है, एक रथ भगवान, ये रथ का नाम क्या मैंने बोला, दिग्विजय रथ, दिग्विजय रथ। हाँ, ये रथ में मैंने बोला 24 चक्र, यहाँ तरफ दक्षिण दिशा पर 12 चक्र और वहाँ तरफ 12 चक्र, ठीक है। तो ये 12 चक्र में ये है पहला चक्र, ये चक्रों की हाइट 9 फुट 9 इंची, माइंड पुलिस सुनो बेटी, चक्रों की हाइट 9 फुट 9 इंची, ये चक्रों में 8 आरा 8 स्पोक, मोटा वाला 8 पीस, पतला वाला भी 8 पीस, मोटा वाला 3 घंटा, पतला वाला 1.5 घंटा। ओके, तो ये मंदिर टोटल बैठा है पूर्व दिशा मुंह करके, पूरा पश्चिम, ओके, और ये नॉर्थ। ओके, तो पूर्व दिशा से भगवान उठेंगे, पश्चिम दिशा जाएंगे, कैसे जाएंगे, तो भगवान सूर्य नारायण की फोकस से मंदिर ऊपर है, चक्रों पर पड़ेगा, जब ये चक्रों पर पड़ेगा, ये चक्रों की एक्सिल है ना मिडिल में, ये मिडिल एक्सिल की छाया, परछाया, शैडो पड़ेगा पीछे। तो आपकी घड़ी की सुबह से यहाँ पर, ये घड़ी की सुबह से वहाँ पर, क्यों, ये शैडो से चलता है, छाया से चलता है ये। ओके, जस्ट आगे बढ़ो सर, हो गया, ये घड़ी की सुबह से वहाँ पर मैंने बोला मोटा वाला 3 घंटा, पतला वाला 1.5 घंटा, तो सुबह 6, इसके बाद 7:30, हाँ सूरज ऐसे जाएंगे, पूरब या पश्चिम जाएंगे, तो भगवान की दक्षिणायन में 6 महीना, उत्तरायण में 6 महीना, जो भगवान वर्तमान पूरब से आके यहाँ पर अभी हो गई, तो अभी यहाँ तक ये चक्रों में, हाँ नीचे है, तो टाइम कैसे जान पाओगे। ओके, तो ये चक्रों की एक्सिल ऊपर आप हाथ पकाओगे, हाथ की शैडो कोई बॉल ऊपर पड़ेगा, 13:30, 4:30, 6 भगवान ऐसे जाएंगे और ये एक्सिल की शैडो ऐसे नीचे आएगा, ये उलट तरफ चलता है, आपकी घड़ी क्लॉकवाइज चलता है, ये घड़ी एंटी क्लॉकवाइज चलता है। ओके, तो अभी टाइम कैसे पता चलेगा, देखो अभी टाइम कैसे पता चलेगा, देखो देखो जानता हो, अभी देखो कोई बॉल ऊपर, नीचे देखो कोई बॉल ऊपर पड़ रही है, देखो जानता हो। ओके, ये अभी 12 बजने के लिए कुछ समय बाकी है, देखो हो गया, देखो 12 से उतना बॉल काउंट माने माइनस कर लोगे, एक बॉल 3 मिनट,
पांच बॉल अभी बाकी है, पांच एक बॉल कितनी मिनट, पांच इंटू थ्री पंद्रह, तो बारह बजने के लिए पंद्रह मिनट बाकी है वर्तमान, देखो टाइम पंद्रह बीस मिनट बाकी, बीस मिनट बाकी, तो अभी मेरा लेवल ठीक नहीं है यहाँ पर, तो अभी टाइम भी जान पाओगे, जान लिया तो है नहीं, देखो ये चारों तरफ पशु पक्षी है, क्यों ना पहले पशु पक्षी से हमारा प्रोडक्शन, मनुष्य की प्रोडक्शन पशु पक्षी से होती है, इसीलिए पहले उनको सम्मान दिया हुआ है, और ये बीच में ये सब देखो दशा बता रही है भगवान की, ये दशा बता रहे हैं, ओके बाल्यावस्था युवावस्था वृद्धावस्था, एक 13 वर्ष उम्र में एक बच्चा को क्या क्या सीखना चाहिए, क्या क्या जानना चाहिए, क्या क्या अच्छा क्या बुरा चीज करके क्या रखना चाहिए, क्या फेंक देना चाहिए, आगे बढ़ो, मैंने बोला 13 फुट का, 13 वर्ष उम्र में तो बच्चे को क्या क्या सीखना चाहिए, क्या अच्छा क्या बुरा क्या रखना चाहिए क्या फेंक देना चाहिए, ओके ये देखो मैंने युवा अवस्था आरंभ हो जाए, हम सबका माइंड बानर जैसा, ओके मंकी की तरह, तो ये माँ जी मथा ऊपर रखा है केला रखा है, मथा ऊपर केला रखा है, ठीक है तुम हाई स्टडी करो ऊपर बढ़ो तो हाई पोटेशियम पास पहुँच पाओगे, ये 13 वर्ष उम्र में भी आप भगवान के पास नहीं तो आपकी एप के पास आपकी स्टडी लाइन के पूरा सब के पास आप पहुंच पाओगे, नहीं तो ये युवा अवस्था में पैर फिसलाओगे तो लाइफ भी स्पॉइल हो जाएगा, इससे क्या है, चलो नो चक्रों में ईरानी माँ का ये सब मुद्रा है, जोगो मुद्रा है, जोगो मुद्रा ये भी सुनो आप, प्रत्येक दिन आपके शरीर में तो सुबह 6 पर कोई रोग निकलता है, तो सुबह 6 पर वही मेडिटेशन करोगे तो आपके शरीर में वो रोग निकल जाएगा, ये इसी तरह ये रानी माँ का ये जोगो मुद्रा है, ठीक है तो ये देखो इसमें मैंने बोला यही चीज स्पोक है, 8 स्पोक है, तो ये 8 प्रकार की ये जोगो मुद्रा रानी माँ का 8 प्रहर की, तो कोई कोई हाँ कोई कोई टाइम पर जो रोग निकलता है वही टाइम पर वो जोगो मुद्रा करोगे वो जोगो करोगे तो आपके शरीर में वो रोग निकल जाएगा, ये इसी तरह ये दो चक्र है, ओके वो दशा बता रहे हैं और ये दोनों जोगो मुद्रा है, नदी का ये जीवन चक्र सर इसका फोटो लियो, लियो सुबह 6 देखो दीदी उससे ये गाड़ी की सुबह 6 नहा रही है रानी माँ नहा रही है, उसके बाद वो खुशी ले रही है, ओके उसके बाद यहाँ पर हमारा सुबह 6 वो ड्रेसिंग बेडिंग हुआ, उसके बाद देखो वो घोड़े पर काम पर गई, उसके बाद दोपहर रेस्ट लिया, उसके बाद मेडिटेशन और फिर ओके इसी तरह ये दिन के 12 घंटा रात की 12 घंटा एक लेडी का जीवन चक्र, पहले खुशी क्यों हम नहाने के बाद भगवान के पास जा रही है, पहले वो चक्र बोले पहले अपनी को शांति करो उसके बाद भगवान के पास जाओगे तो भगवान को पा पाओगे, ओके मंदिर बच गया 127 फुट ये मंदिर प्रार्थना मंदिर जगमोहन इनका नाम, ये मंदिर की 3 द्वार वहां तरफ गया पूर्व द्वार ये दक्षिण द्वार बंगाल बिहार उड़ीसा ये तीनों एक थी, तो 1903 में ये तीनों की विभाजन हुआ, 1903 में बंगाल की गवर्नर थी लॉर्ड कार्जन, लॉर्ड जॉन कार्जन थी, वो मंदिर जितना बच गया और बचाने के लिए आगामी पीढ़ी देखने के लिए सीखने के लिए और ये मंदिर को बचाने के लिए तीनों द्वार बालू पत्थर देके टुकटाल भरा हुआ है, बालू और पत्थर ओके और ये दक्षिण द्वार के सामने देखो ये दोनों घोड़ा है अश्व द्वार है ये और ये हमारा ओडिशा की ये सिंबल भी आप जानते हो ये हमारा ओडिशा की सिंबल भी ओके घोड़ा यही घोड़े ओके और ये बुद्धि द्वार है अश्व होता है बुद्धि बुद्धि का सिंबल ये बुद्धि द्वार है और वो भी वास्तुकला से बना हुआ कौन ना रोसईशाला पूरब दक्षिण कोनो ऐसा न कोनो अग्नि कोनो ये टोटल वास्तुकला से ये टोटल ये कोणार्क सूर्यनारायण मंदिर
बना हुआ है। मैंने बोला पृथ्वी की और भारत नक्शा की उत्तर और पूर्व कोनों में ये ऐसी जगह पर ये बना हो गया कि आज के समय में भी भगवान जैसे जाते हैं सूर्य नारायण, उनका किरण भी चक्रों पर जब पड़ेगा ना तो ये चक्र परफेक्ट टाइम भी देख पाओगे आप। ओके आगे बढ़ो। দেখো এখানকার জল কি জল, এই তেল দিয়ে দিয়েছে চুলে, 1 কিলো তেল দিয়ে ইয়া করে हाँ बेटी देखेंगे राजा ज्यादा दिन रहेगा नहीं, लेकिन विद्या अब तो हाँ ये देखो सत्यजुग की एक घटना है। सत्यजुग की क्या ना समुद्र मंथन आप जानते हैं, टीवी पर किताब पर जानते हैं ये समुद्र मंथन है और ये खंडित हो गया। आप भी कह सकते हो एक रसा के खेल भी होता है, इनके सत्यजुग की रसा के खेल भी हो सकता है। सूर्यनारायण मंदिर क्यों देखो वो जो पति पत्नी अदाबाद टूट गया वो हमारे राजा नरसिंह देव उनका पत्नी भानुमती, तो पूरी जगन्नाथ मंदिर जो राजा बनाया था उनका कोई पुता पुती नहीं थी, उनका पत्नी कस्तूरी देवी 12 साल भगवान सूर्यनारायण की तपस्या करके ये राजा नरसिंह देव को पाया है। जब ये राजा की बेटा थी वीर थी जोधा थी 18 वर्ष उम्र में काकतीय राजा गणपति के साथ निरंतर 3 साल युग करके जब राजप्रसाद पर लौटा है राजा ने, माँ ने वहीं पर बोला बेटा तू कोणार्क जाके एक भव्य सूर्य मंदिर बना ले। माँ क्यों ना, मैंने तुमको पाया है भगवान सूर्यनारायण के 12 साल तपस्या करके और कोणार्क है सूर्यनारायण के प्रधान उपासना स्थान है जन्म स्थान पद्म पुराण में। ओके तो माँ की बात मान के 1200 कारीगर लेके यहाँ पर आ गया ये मंदिर बनाने के लिए। कोई मूर्ति के साइड देखो हाथी ऊपर हमारा राजा बैठा है, हाथी के सामने देखो जिराफ, मैंने अफ्रीका की जिराफ वो टाइम पर कोई डोनेट किया है हमारे राजा को, उड़ीसा के साथ भारत के साथ वो टाइम पे संबंध थी अफ्रीका के संबंध थी। और 10 नोट पे बेटी जानो 10 नोट पे 20 नोट पे जो चक्र है यही चक्र है 6 नंबर चक्र। ओके यही चक्र है। ओके लिया फोटो उठा लिया फोटो, ये चक्र बार बार क्यों सिलेक्ट हुई है जो कि 10 नोट पे 20 नोट पे और आज के समय G20 पर भी यही चक्र है। तो ये चक्रों में जितना मुद्रा देखोगे सब शुरुआत है आरंभ है, तो इसीलिए यही चक्र बारंबार सिलेक्ट हो रही है। देखो कोई घोड़े ऊपर जा रही है तो युद्ध का शुरुआत है, कोई हाथी ऊपर जा रही है तो युद्ध की बात की समालोचना का शुरुआत है, कोई देखो मेडिटेशन कर रही है तो किसी जीवन की पहली बार मेडिटेशन है, इसीलिए ये सब शुरुआत है। तो जितना मुद्रा देखोगे सब ये शुरुआत है। ओके साइड में एक जिराफ खड़ा है, देखो ये पत्थर के अंदर पहले से लोहा है, राजा ने इसी तरह पत्थर चूज किया है तो ये पहले ये पत्थर के अंदर लोहा है। मैंने बोला ये पत्थर के नाम क्या है, कोंडोलाइट, कोंडोलाइट पत्थर के अंदर लोहा है। देखिए ये जॉइंट हुआ था वो टाइम पर, सीमेंट नहीं थी केमिकल नहीं थी 800 साल पुराने में। हाँ नीचे मैग्नेट 27 टन ऊपर 52 टन और बीच में ये लोहे की पत्थर, देखो मेन मंदिर की बेस, देखो पूरी जगन्नाथ मंदिर की गर्भगृह 219 फुट, लिंगराज मंदिर की 211 फुट और वो दोनों मंदिर आज पूजा है और वो दोनों मंदिर से बड़ा मंदिर ये मंदिर। ओके तो ये 127 फुट ये 227 फुट, ये मंदिर से 100 फुट ज़्यादा थी ये मंदिर गर्भगृह, तो ये मंदिर की आधा भाग छाया शैडो पड़ेगा ये मंदिर ऊपर, ये छाया देवी मंदिर सूर्यनारायण की प्रथम पत्नी का मंदिर ही है, छाया देवी मंदिर।
सूर्य नारायण की दो पत्नी ना छाया और माया। छाया देवी का बेटा का नाम शनि महाराज, माया देवी का जमराज जमुना दिल्ली पर। ओके तो ये जानो ये जितना भी बेस बच गया ये बेस की तीनों दिशा पर दीदी तीनों सूर्य नारायण मूर्ति देखोगे। ये उदय सूर्य, वहाँ तरफ जाओगे मध्यान्ह सूर्य और उत्तर दिशा पर जाओगे देखोगे अस्त सूर्य। तीनों सूर्य नारायण मूर्ति, ये उदय सूर्य जीवावस्था में भगवान विष्णु की तरह, वही आगे देखोगे सूर्यनारायण मध्यान्ह सूर्य भगवान शिव की तरह, हाँ और वहाँ तरफ देखोगे वो ब्रह्मा की तरह, युवावस्था मध्यावस्था वृद्धावस्था। टोटल मनुष्य जीवन शैली जैसे युवावस्था मध्यावस्था वृद्धावस्था इसी तरह तीन टाइप की सूर्यनारायण मूर्ति। और ये गर्भगृह की अर्धाभाग छाया, ये छाया देवी मंदिर ऊपर इसी तरह कोनों की तरह पड़ेगा। अभी तो ये टूट गई, ये मंदिर अदालत टूट गई, 35% बचा है तो वर्तमान कितना 35% 227 फुट ये थी ना, तो इतना ही बच गया। तो इतना वर्तमान देखो ये देखने के लिए सीखने के लिए ये युग की मनुष्य बचने के लिए टोटल मनुष्य जीवन शैली यहाँ पर टोटल विश्व में इसी तरह मंदिर कहीं पर भी नहीं। ओके और वहाँ तरफ देखोगे अस्त सूर्य, हम नीचे चला जाएंगे और देखने पाएंगे मध्यान्ह सूर्य, ये है मध्यान्ह सूर्य। और छाया देवी मंदिर के अंदर ये देखो दो तरफ वेंटिलेटर, आज की समय हमारा घर में जैसे विंडो, ये देखो ओवर टाइम की ये वेंटिलेटर ये छाया देवी मंदिर ऊपर, और ये मंदिर ऊपर एक कोमल फूल की छत थी, हाँ तो ये दोनों वेंटिलेटर आज के समय एसी वेंटिलेटर जैसे है हमारा घर में, ये ओवर टाइम की वेंटिलेटर दो तरह। ओके हाँ देखो ये पत्थर पत्थर बीच में लोहे की किला, मैंने बोला ना जैसे आज के समय स्टेपलर पिन, वो टाइम पर ये पत्थर पत्थर बीच में लोहे की किला, लोहे की किला। देखने का अंदर महालक्ष्मी का मूर्ति कुछ नहीं, ये दो तरफ ही देखना, ये मेन चीज है। लिंगराज मंदिर, लिंगराज मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, सूर्यनारायण मंदिर, ये दोनों मंदिर अभी पूजा है, ये मंदिर अभी पूजा नहीं है। ओके तो ये 52 टन की मैग्नेट चुंबक, 1200 कारीगर ने ये 52 टन की मैग्नेट ऊपर जब सोने कलश बैठाया ये बार बार फेंक दिया मैंने बोला। ओके तो ये बच्चा लोग आके ये लोहे की तिलक लोहे की रिंग बना दिया, उसका ऊपर जब सोने कलश 1200 कारीगर ने बैठाया ये बैठ गया, ओके हो गया, कंप्लीट हो गया। लेकिन 1201 जब हो गया राजा के रूल चेंज हो जाएंगे, राय चेंज हो जाएंगे, इसीलिए वो बच्चा 1200 कारीगर को 1200 परिवार को बचाने के लिए ये ऊपर से नीचे कूद गया, आत्महत्या कर लिया, इसीलिए ये मंदिर पूजा नहीं, ये दोनों मंदिर पूजा है। 900 AD 1100 AD 1200 AD 12 संख्या में ये टोटल बना हुआ है। बेटी जाओ महालक्ष्मी मूर्ति देख आओ, गंगवंशी चोड़ गंग देव ये लांगुला नरसिंह देव अनंग भीम देव ये सब गंगवंशी राजा छिलो। आ जाओ सर, सर देखो ये मंदिर टोटली अंदर ये चार पत्थर में ये ईंट में ये ग्राउंड में टोटल दीदी जानो पहला टेम्पल ये पहला टेम्पल माने टोटली ग्राउंड में पहला टेम्पल ये और ईट में क्यों ये जानो प्रत्येक दिन ये कारीगरों जो काम पर जाते हैं
तो ये मथा ऊपर तिलक लगा के ईट में बना कर तिलक अच्छा। तिलक मथा ऊपर लगा के माँ को पूजा करके ये काम पर जाते हैं। अच्छा। तो इसी पहला टेम्पल ये ग्राउंड में पहला टेम्पल ये हाँ वो टाइम के भी देखो कितना बड़ा थी ये वो टाइम की देखो वो टाइम की ब्रिज और वो टाइम की ईटे ये और बाद में ये केमिकल दिया हुआ है आर्कोलॉजिकल ने सेटिंग करने के लिए दिया हुआ है। ये देखो ये वो टाइम की भी स्टोन नहीं सीमेंट नहीं दीदी सैंड स्टोन बालू बालू का पत्थर सैंड स्टोन ओके। तो यही मंदिर पर ही मिलेगा और कहाँ पर नहीं यहीं पर ही मंदिर पर ही ये सैंड स्टोन ही मिलेगा। और ये अंदर देखो जाके देखो 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 और महालक्ष्मी का मूर्ति है ये और ये भी दो तरफ वेंटिलेटर देखो हाँ छोटो ये छोटो मंदिर ईट में बना हुआ है वो टाइम की ईट मंदिर है ये पहले जो 1508 में बमिंग कर दिया ये मंदिर को अध्यक्ष लगा कर बमिंग कर दिया। ये देखो बाउंड्री के बाहर ये टोटल पड़ी है पत्थर टोटल चारों तरफ टोटल बाउंड्री के चारों तरफ पत्थर पड़ी है ये सब ये बालू का जगह ये सब इसी तरह ये मंदिर टूटने के बाद पत्थर पड़ी है। और उनमें से आज ये मंदिर की देखभाल कर रही है एस आई आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया देखभाल कर रही है। तो उनमें से कलेक्ट करके करके आगे रखा है बहुत बड़ा बड़ा मेन मंदिर के शेर मेन मंदिर के कछुआ मेन मंदिर के मगरमच्छ आगे जाके देखोगे मैंने बहुत सारा सीखने का चीज ये मंदिर में मिलेगा ओके। सूर्य नारायण की ये मंदिर और पृथ्वी की और भारत नक्शा की उत्तर पूर्व कोनों में ही है। यहाँ पर सनराइज कन्याकुमारी सनसेट प्रसिद्ध है ये ओके। एक यहाँ तरफ ये पश्चिम दिशा पर छाया देवी मंदिर की के छाया देवी की मूर्ति है एक। आज ये कॉलेज की क्रोकोडाइल इनका उद्देश्य है देखो खाने का इनका देखो मनुष्य के साथ खेलने का सत्यजु की इसी तरह क्रोकोडाइल मगरमच्छ ये थी ओके। और ये सूर्य नारायण की ये भी एक मूर्ति है और ये मूर्ति को आप जानते हैं काला पहाड़ टूटाया काला पहाड़ से जानते हो काला पहाड़ एक बंगे ब्राह्मण वो थी मुस्लिम को शादी किया है मुस्लिम ने आस्पेट नहीं की फिर आ गया हिंदू होने के लिए पूरी पूरी पर भी पंडित लोग आस्पेट नहीं की है और उसका घमंड बढ़ गया कि उड़ीसा में जितना हिंदू मंदिर वो पूजा नहीं भगवान की और सिक्का चीज़ की जो कि चारों तरफ मंदिर की सीखने का चीज़ एक एक मूर्ति में कहीं पर टूटा नहीं जो मूर्ति की बीच में जो सीखने का चीज़ वो चीज़ सब टूटा दिया। देखो ये एक सूर्य नारायण की मूर्ति ये मूर्ति सब ठीक है लेकिन हाथ तोड़ दिया मैंने काट दिया बोलोगे तो वही काट दिया मैंने कितना घमंड उनका बढ़ गया इसीलिए ये वो टाइम पर मुस्लिम की ये हथियार बना के वो टाइम पर वो थी काला पहाड़। और ये कली युग की ये सत्य युग की ये क्रोकोडाइल और वो कली युग की उनका उद्देश्य मनुष्य का खाने का उनका उद्देश्य खा रही है मछली खा रही है तृतीय द्वापर तीन युग की कहानी परिधान चलनी आगामी पीढ़ी क्या सीख पाओगे क्या जान पाओगे। देखो सास बहु झगड़ा थी वर्तमान है आगे भी रहेगा ये सास बहु झगड़ा दीदी सास बहु झगड़ा आगे ये देखो पंच पांडव एक भाई के साथ द्रौपदी अंदर और ये चारों भाई बाहर ओके। और वो टाइम की देखो रानी माँ का सिंदूर पहनना मैंने सिंदूर बिंदिया लगाने की स्टाइल ही है। आज की समय हम सब सीधा इसी तरह लगाते हैं तो हाथ की छाया मुंह पर पड़ेगा छाया देवी बेटा का नाम शनि महाराज सुबह से आप ऊपर प्रकट हो जाएंगे हाथ घुमा के जस्ट इसी तरह सिंदूर लगाओगे तो आपका दिन मंगलमय होगा ये रानी माँ का
हाथ घुमाने की और बिंदिया लगाने का स्टाइल ये, ओके। और साइड में देखो बेटी, वो टाइम पर 800 साल पुराने में ये देखो वैनिटी बैग, वैनिटी बैग वो टाइम पर भी थी ये आइडिया। आज जो कुछ नया है, नया नहीं, हम जस्ट फॉलो कर रही है, ओके। तो पहले से सब थी, उसमें सीखना है, कुछ जानना है, ओके। ये श्रवण कुमार की, ओके। तो ये देखो श्रवण कुमार की सब बोल रहे हैं, और एक मीनिंग भी हो सकता है, एक मनुष्य संसार में रह रहकर विरक्ति हो गई, उनको बैलेंस कौन करेगा, ना माँ और पत्नी, ओके। तो माँ बोल रही है बेटा बाहर ऑलवेज बाहर, वो जैसे शिक्षा नीचे वो देखो बच्चा हाथी को पिता माता हाथी ने शिक्षा दी है, ओके। दो प्रकार मीनिंग भी हो सकता है। भैया तुम पछे बीच वहीं पर बैठो भैया, चार टाइप की सेक्स देखोगे, ये देखो, ये देखो मोनोग्रामी, पॉलीग्रामी, पॉली एंट्री और एनिमल सेक्स, ओके। और ये देखो ये मोनोग्रामी, और ऊपर दिया हुआ है चूहा, ये मूर्ति के ऊपर चूहा, इसमें क्या सीखोगे, इसमें क्या सीखा है, ये देखो आपके घर में चूहा के पीछे चूहा एक रनिंग करेगा तो कोई डिब्बा गिरेगा तो आपके घर नष्ट होगा, तो उसी तरह ये मोनोग्रामी ऐसी है, मोनोग्रामी करोगे शरीर में रोग पैदा होगा, ये इसमें सीखा है, ऐसी करोगे आगामी पीढ़ी नहीं बढ़ पाएगा और शरीर में रोग पैदा होगा, ओके। कर्म ये देखो छोटा लड़की को बेचने जा रही है, छोटा लड़की को बेचने जा रही है, अंदर की एक काम है, जस्ट वही मूर्ति के साइड देखोगे वही एनिमल साइड, वही मूर्ति के साइड देखो। और सर ब्रह्मचारी की शिक्षा भी आप आओ, ई मूर्ति, एक ही मूर्ति देखो, ये मूर्ति जो कि ब्रह्मचारी की एग्जाम, यही मूर्ति काला पान ने टुटाया जस्ट वही मूर्ति, ओके वही मूर्ति सर, हाँ बस वही मूर्ति। ये देखो सर एक लड़की को सामने रख के, ये देखो गुप्तांग ऊपर एक तौल के मशीन भर्ती करके, वो देखो केवल ये मूर्ति में तौल मशीन टूटा है और ये मूर्ति को तोड़ाया कौन, ना वही काला पहाड़, मैंने हमारे ये सीखने की, मैंने ब्रह्मचारी की ये सीखा है, देखो ये मूर्ति में कुछ टूटा नहीं, जस्ट वही तौल की मशीन जस्ट टूटा है, आप देख पाओगे, ओके। तो ये क्या एग्जाम कैसे दे रही है, देखो एक लड़की को सामने रख के वो तौल रही है, उसके आगे मैंने ये गुप्तांग के सामने उसके शरीर में जो ब्रह्म है धातु है वो आगे नहीं आएगा, अच्छा ओके। इसी तरह ये ब्रह्मचारी की एग्जाम है, देखो चाइल्ड मैरिज, बाल्य विवाह, हाँ बाल्य विवाह वो टाइम पर थी, तो ये देखो बाल्य विवाह, ओके। 20 सांपों के लिए समुद्र का खारा पानी में नहाएंगे, उसके बाद भगवान सूर्य नारायण की पहला किरण विटामिन डी और दिन भर नीम पेड़ की पत्ता की झाड़ू शरीर में लगाएंगे, वही मेडिसिन आज के समय में भी 1000-1500 फॉरेनर ये कुणार के रहकर वही मेडिसिन यूज करते हैं। देखो मथा ऊपर वो पत्ती को रखना चाहिए, वो मथा ऊपर पेड़ रखना है, ओके। तो वृक्ष को शादी की है दीदी, ये वृक्ष को शादी किया है, तो पत्ती बना दिया उसको और मथा ऊपर वो पत्ती को रखा है। और ये देखो राम सीता, कितना खुशी से पशु पक्षी ने राम सीता को देखा है, देखो भगवान जब ब्राह्मण को गया ना, भगवान सूर्य नारायण की ये वृद्धावस्था अस्त सूर्य, उनका नाम अस्त सूर्य, और ये हरिहर अश्व, ये अश्व का नाम, घोड़े का नाम हरिहर अश्व, ओके। और ये जानो भगवान सूर्य नारायण, मैंने बोला ना मनुष्य जीवन शैली में ये बना हुआ है, तो भगवान सूर्य नारायण भी जीवन के शाम पर जा रही है, वृद्ध हो गई है,
चल रही नहीं पा रही है, इसीलिए ये घोड़ा ऊपर है। ओके तो भगवान सूर्य नारायण जी बन के शाम पर जा रही है ये अस्त सूर्य। और बेटी ये देखो मेन मंदिर की शेर, मेन मंदिर की कछुआ, और साइड में देखोगे मेन मंदिर के मगरमच्छ, ये सब बेटा ऊपर जितना पत्थर ये सब मेन मंदिर की चारों तरफ पत्थर पड़ी है ना, चारों तरफ बिखर कर पड़ी है, तो उनमें से कलेक्ट करके करके यहाँ पर निकलने रखा है। और सर ये तो समुद्र का किनारा, यहाँ पर इतना पत्थर आया कैसे और इतने ऊपर गया कैसे? तो ये जानो महानदी उड़ीसा में, महानदी आप जानते हो महानदी की एक शाखा नदी थी दया नदी, जो दया नदी ऊपर लकड़ी की भेला बना के, वो लकड़ी की भेला ऊपर बड़ा वाला पत्थर पका के चैन की साज में बांध के हाथी किचकिचलाता था, यहाँ पर पत्थर पहुँच गया। और ऊपर गया कैसे, इतना ऊपर 227 फुट ये मंदिर थी, तो ये मंदिर ऊपर गया कैसे? देखो ये क्या करते हैं, देखो पहला पत्थर काम हो गया, पहला पत्थर काम हो गया, तो ये बालू का जगह सैंड का जगह सैंड से इसी तरह ये ढाक देंगे। सेकंड पत्थर रहेगा यहाँ पर, हाथी रहेगा यहाँ पर, चेन के साथ में सेकंड पत्थर ये बालू के ऊपर इसी तरह खींच लेगा प्रथम पत्थर के ऊपर, इसी तरह ये टुकटा कंप्लीट हुआ है। और उसके बाद ये वो बालू को निकाल देंगे, सैंड को निकाल देंगे, हो गया कंप्लीट। फोटो अंकल फोटो ठीक है बोलो। हाँ, देखो ये उत्तर द्वार, ये उत्तर द्वार के सामने ये दोनों हाथी, ये धन की द्वार है, ठीक है टाका पैसा की द्वार है। तो वो टाइम पर देखो ये एक हाथी पैर में कुचल रही है और एक सूर में उठा रही है। ओके तो इसका मीनिंग क्या है, ये समाज में दो प्रकार लोग हैं, अच्छा बुरा। ओके तो बुरा को ये सम्मान, अच्छा को ये सम्मान, ये दोनों वॉरियर एलिफेंट है, ये माने योद्धा और युद्ध की एलिफेंट है ये। ओके और ये कुआ है, ये भगवान सूर्यनारायण की कुआ, गंगा जमुना सरस्वती इनमें से सब प्लस है, कनेक्शन है। अच्छा ओके okay? और ये यूज नहीं है, भगवान सूर्य नारायण पूजा के लिए हुआ था, यूज नहीं है। और ये उत्तर द्वार ऊपर देखो लोहे की बीम, लोहे की खंबे, ये मैंने बोला ये खंडोलाइट पत्थर के अंदर लोहा है, तो उसको निकाल के पहले लोहे की छोटा छोटा लोहे की लकड़ी बनाते हैं, वो लकड़ी को जॉइंट करते करते ये लोहे बीम लोहे खंबे बनाते हैं। देखो 800 साल पुराने की ये हो गई, ये आज तक रोस्ट नहीं की कलंक नहीं, एक बात। दूसरी दिन भर जितना धूप होगा ये उतना हीट नहीं होगा, 15-17% ही हीट होगा, उसके बाद जितना धूप होगा और हीट नहीं होगा, इसी तरह लोहा है ये। ओके और ये गर्भगृह के अंदर जो लोहे बीम थी, लोहे खंबे थी, एक दिन पर भी रखा है, आप जाने के समय वहीं पर छुके भी जाओगे। ओके आइए देखो फुल स्टडी टेबल, क्रॉस वाला स्टडी टेबल मंगाते हैं पढ़ने के लिए, वो क्रॉस वाला स्टडी टेबल भी ये नृत्य मंडल की ओर तरफ से ये तरफ से पढ़ाओगे। आओ देखो ये बटन के भी सारे मिनिमम 60-70 साल भी हो गया ये बटन के। ओके ये थिलो दक्षिण द्वार ऊपर ये थिलो, हाँ दीदी ये दक्षिण द्वार की ऊपर ये थी। ओके तो ये द्वार जैसे बना हुआ ना, ये पूर्व द्वार जैसे ग्रानाइट में बना हुआ है, तो ये दक्षिण द्वार ऊपर ये थी। जब दक्षिण द्वार बंद हो गया तो ये दक्षिण द्वार की द्वार ये नागदेवी। देखो ये नागदेवी है, क्या मैंने बोला ना कि जो साउथ की पूजा अधिक करते हैं, जो हमारा
नाग की, सांप की, तो ये वो टाइम पे बंगवंशी राजा की वो प्रजाजन हो, वो टाइम पर ये नागदेवी राजा के साथ और भगवान के साथ वो टाइम पे इनके संबंध थी। और ये तीनों ऋषि है, ये तीनों ऋषि और नीचे महालक्ष्मी। हाँ, और ये महालक्ष्मी ये दक्षिणी द्वार ऊपर ही थी। बेटी क्रॉस वाला स्टडी टेबल वो टाइम पर देखो थी, जो आज मंगाते हैं ना क्रॉस वाला स्टडी टेबल, नया टेबल पढ़ने के लिए। हाँ, वो टाइम पर देखो क्रॉस वाला स्टडी टेबल, वो स्टडी टेबल ऊपर वो क्या कर रही है देखो, टाइपिंग कर रही है, यानी कंप्यूटर की ज्ञान भी वो टाइम पर थी। वो स्टडी टेबल ऊपर वो देखो कंप्यूटर की ज्ञान वो देखो टाइपिंग कर रही है, यानी ये फिर कला जगह पर, शिक्षा जगह पर और एग्जाम जगह पर रानी माँ के सामने, राजा के सामने ये प्रकट कर रही है ना ये कला को, तो वो टाइम पर कंप्यूटर की आने भी थी ये जानो। ओके, मेरे को मेरा हाथी पे छुड़े जाते लेडी फर्स्ट ना, ये शब्द कितना सत्य है। हाँ, और ये देखो एक हाथी ने एक लड़की को देखो सांप की डाल से कैसे बचाया है, सांप काटने से कैसे बचाएगा। ओके, वो देखो मैंने ये हाथी ट्रेनिंग ले ली, सांप ट्रेनिंग ले ली, ये लड़की भी ट्रेनिंग ले ली, ये वो टाइम की कला थी, ये ट्रेनिंग ले ली, उसके बाद ये रानी माँ के सामने, राजा के सामने एक लड़की को सांप काटने से कैसे ये हाथी बचाएगा, ये वो टाइम की किसी का कला है। ओके, और ये जंतु कौन है? ये तो ढोलक बन, ओ ये तो देख इधर, तो एंड ओ बाप रे, तो रियल तुम ना देखो, लीजा देखी थी ओरिजिनल, वाह बेचे अच्छे ये देखो ये जगह पर समुद्र का जगह है, ये समुद्र का किनारा का जगह ना, नहीं समो नमक हवा, नमक हवा से ये देखो ये कलंक नहीं, जौंक नहीं, आज तक 800 साल पुराने की मेन मंदिर गर्भगृह मंदिर की ये थी लोहे खम्भे। सर ये पत्थर के अंदर लोहे, इसको निकल के पहले छुट्टा लोहे की लकड़ी बहुत सारे बनाते हैं, उसके बाद उसको जॉइंट करते करते ये लोहे बीम लोहे खम्भे बनाते हैं, और ये हाथी का बल मनुष्य का बुद्धि, हाथी बोले और मनुष्य। ओके, और दीदी याद रखोगे ये 12 संख्या में ये बना हुआ है, ये मंदिर की दो चीज जब भी पूजा है वो बाउंड्री के बाहर, ये नवग्रह मंदिर दीदी। ओके, ये घर के अंदर नवग्रह भक्ति, जो कि ये मंदिर जो बच गया है, ये मंदिर की दरवाजा सामने ऊपर ये थी हैंगिंग पोजीशन में, इसी तरह नवग्रह मूर्ति थी, पूरा नवग्रह शनि राहु केतु टोटल नवग्रह की मूर्ति वहाँ पर, और जगन्नाथ मंदिर के सामने ये रथ के ड्राइवर जो थी, अरुणा पिलर और अरुणा स्तंभ वहीं पर पूजा है, ये दोनों पूजा है बाहर, ये मंदिर की दो चीज़ें भी पूजा है सर। सर वो देखो आप पूरा ये रोड से निकले हुए पूरा सीधा जाओगे। ओके, और ये इनमें भगवान सूर्य नारायण की मूर्ति, यही नाट्य मंडप के ऊपर ही एक कोमल फूल की छत थी, कोलोट तरफ एरम करे एरम करे। हां हां, ये ऊपर नहीं, नीचे की तरह, नीचे की तरह। अच्छा, डिजाइन जो नीचे दिख रहा है, इधर इधर एरम एरम। अच्छा, दिन लीची लो नाट्य मंडप।
धन्यवाद हम जगह काउंटर।